हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता क्या है? तो जो ये दोनों स्टेप्स हैं, ये है स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। ये है फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन, और ट्रांसलेशन होता है सेकेंड स्टेप। ये है सेकेंड स्टेप। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है? तो फ्रांसिस क्रिक ने इन ईयर 1957 फ्रांसिस क्रिक ने इन ईयर 1957 दिए थे, पोस्ट किए थे सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा में होता क्या है? इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहले डीएनए होता है, डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए से बना प्रोटीन। तो ये होते हैं सेंट्रल डोगमा, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए होता है, पहले बनता है एचएनआरएनए, एचएनआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए का फर्दर होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब यहां पे होती है इसकी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है कि इंट्रॉन्स को रिमूव करना, कट करना, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना। और ये होता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स, जिसे कहते हैं स्पाइसियोसोम। तो ये बनाता है एचएनआरएनए, बनाता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए जो होता है ये बनाता है प्रोटीन। तो यहां पे पहले क्या बनेगा? डीएनए से बनता है आरएनए, वो बनता है एचएनआरएनए, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उससे बनता है एमआरएनए, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो हमें आज देखना है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एक टर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब इसी एमआरएनए से हम वापस डीएनए बना रहे हैं, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये पाया जाता जनरली के सब वायरसेस, वायरसेस में ये पाया जाता, चाहे वो टीएमवी वायरस में कह दीजिए या फिर एचआईवी वायरस में कह दीजिए, ये पाया जाता इनके सब वायरसेस में। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन था, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं हम टेमिनिज्म, टेमिनिज्म। क्योंकि जो टर्म टेमिनिज्म होता है, दैट वाज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, इसलिए कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से आरएनए बनाने में एंजाइम का यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, मींस डीएनए से आरएनए बनाना इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए, मींस एमआरएनए से प्रोटीन बनाना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। द टेम्पलेट इज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, इफ एंटी कोडिंग, इफ एंटी सेंस, इफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहां पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं, उसके लिए हमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए। सो हम बात करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की। तो ये आते हैं इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है? दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 3-5 एंड, और एक होता है 5-3 एंड। जो 3-5 होता है, इसे कहते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी को हम कहते हैं एंटी कोडिंग, एंटी कोडिंग, या फिर एंटी सेंस, या फिर नॉनसेंस। और दूसरा होता है, इसे कहते हैं जो 5-3 एंड है, इसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसी पॉइंट की बात यहाँ पे की गई थी। एंड इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, वो होता है एमआरएनए, एमआरएनए से ही बनाते हैं प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन न्यूक्लियस, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन होता है इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली में, लेकिन होता है ऑन राइबोसोम। एमआरएनए स्ट्रैंड पे राइबोसोम की स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट दो ज्वाइन करता है, तो वो सो फर्दर उसके ट्रांसलेशन होता है और बनाता है प्रोटीन। सो ट्रांसलेशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होता है इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एंड
ट्रांसलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस प्रोसेस। मींस प्रोसेस को होने के लिए जो एंजाइम हेल्पफुल होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, एंड ट्रांसलेशन में होता है वो राइबोसोम हेल्प करता है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हमने ऑलरेडी बता दिया, एंड ट्रांसलेशन इज द सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। द रॉ मटेरियल्स आर फोर टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मींस यहां पे सो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन जो चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इनके साथ ट्रांसलेशन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का यूज होता है जो कि बनाता है प्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड फर्दर ज्वाइन होकर बनाते हैं प्रोटीन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, यहाँ पे कौन से 3 टाइप के आरएनए होते हैं? आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये होता है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, फिर से कहते हैं एडेप्टर आरएनए जो कि, और लेकिन एमआरएनए को कहता है मैसेंजर आरएनए। नाउ इन केस ऑफ ट्रांसलेशन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए टेक्स पार्ट इन द ट्रांसलेशन, इज तीनों ही आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए होते हैं, इनका यूज होता है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन एक यहाँ पे ये है कि यहाँ पर 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, लेकिन जो टीआरएनए होता है इसका कोई भी रोल नहीं इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसका टीआरएनए का रोल होता है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन जो कि कोडॉन्स को ले आता है। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स आरएनए पॉलीमरेज एंड सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो यहाँ पर प्रोसेस को होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी जरूरत होती है। एंड इनके साथ ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर मतलब टर्मिनेशन फैक्टर मींस टर्मिनेशन फैक्टर, इन तीनों फैक्टर की जरूरत होती है। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में सिमिलैरिटीज की, दोनों जहां पे 3 स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये होता है इनके साथ ट्रांसक्रिप्शन में भी एंड इनके साथ ट्रांसलेशन में भी। जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस, मींस इस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप होता है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसलेशन यूज एक्सटर्नल फोर्स टू ड्राइव प्रोसेस, मींस यहां पर प्रोसेस को होने के लिए ट्रांसलेशन को होने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स को देना पड़ता है। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोडक्ट होता है दैट रिक्वायर्स स्प्लाइसिंग, मींस जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी बताया कि जो डीएनए बनाता है एचएनआरएनए, इस एचएनआरएनए की होती है फर्दर स्प्लाइसिंग, और ये एचएनआरएनए बनाता है एमआरएनए, और फर्दर जब ये एमआरएनए बन जाता है तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये इस एमआरएनए को फर्दर बनाता है इससे प्रोटीन, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो स्प्लाइसिंग है वो स्प्लाइसिंग होती है इनके साथ ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ट्रांसलेशन में कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं होती है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफन रिक्वायर्स स्प्लाइसिंग, लेकिन इनके साथ ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग इज एब्सेंट। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको अगर हमें इनहिबिट करना है प्रोसेस को, तो उसके लिए रिफैम्पसिन या फिर एन एट हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन ये यूज करते हैं फॉर द इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन फॉर द इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आर यूज। सो आज ये वीडियो रहा ऑन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ हमारा ऐसा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।